हेलो एवरीवन, दिस साइड योर फ्रेंड राहुल भादुड़ी प्रेजेंट विद न्यू एंड अदर कार लीक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। गाइस, महिंद्रा बुलेरो कुछ फोटोस लीक हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हो महिंद्रा का न्यू लोगो। तो मतलब कि महिंद्रा अपनी सभी कार के अंदर अपना न्यू वाला लोगो ऐड करता जा रहा है। चाहे आप स्कॉर्पियो क्लासिक देख लो, चाहे आप महिंद्रा XUV300 देख लो, और अब आपको महिंद्रा बुलेरो के अंदर भी न्यू वाला लोगो देखने को मिल जाएगा, जिसका डिजाइन काफी कमाल का, जिसका डिजाइन देख के एकदम प्रीमियम वाली फील आती है। इतना कमाल का लोगो बनाया महिंद्रा ने। बाकी गाड़ी के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले, सेम आपको वैसे बुलेरो मिलेगी जैसे अभी तक मिलती थी। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, ये सिर्फ आपको मैनुअल गियर बॉक्स में मिलता है। इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है महिंद्रा बुलेरो। और अगर बात करें महिंद्रा बुलेरो के हाईलाइट फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, ऑल फोर पावर विंडो मिल जाती है, साथ में आपको ब्लूटूथ वाला म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। तो महिंद्रा बुलेरो के अंदर कुछ यही हाईलाइट फीचर्स आते हैं। वैसे महिंद्रा को इसमें कुछ और फीचर्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि जो बुलेरो गाड़ी है काफ़ी कमाल की लगती है, लेकिन कुछ लोग इसके फ्यूचर को देख के इस गाड़ी को छोड़ देते हैं। और एक दूसरा रीज़न इसके पेट्रोल इंजन को देख के, इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ डीजल इंजन में आती है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो अगर महिंद्रा अपने बुलेरो में थोड़ा सा काम और कर दे और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाए, साथ में आपको पेट्रोल इंजन मिल जाए और कुछ फीचर्स ऐड कर दे, तो महिंद्रा बुलेरो काफ़ी कमाल की सेल होगी। क्योंकि जो गाड़ी की डिजाइन है, जो इसकी लुक्स है, वो एकदम अलग लेवल की आती है। आपने देखा होगा मर्सिडीज़ की जी वैगन आती है, तो इस गाड़ी को लोग जी वैगन भी बनवा लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस कराने नहीं पड़ते। अगर आप मॉडिफिकेशन के शौकीन हो तो आप महिंद्रा बुलेरो निकलवा लो, और बुलेरो के अंदर मॉडिफिकेशन इतनी कमाल की होती है, मतलब आप गाड़ी के अंदर इतनी कमाल की मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मुझे नहीं लगता बुलेरो से अच्छी किसी गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन होती होगी। 1-10 लाख की कार आपकी 1.5-2 करोड़ की कार बन जाती है, अगर आप इसका थोड़ा बहुत पैसा लगा दो। तो अगर आप मॉडिफिकेशन के शौकीन हो तो आप महिंद्रा बुलेरो ले लो, और आपको नॉर्मल मॉडिफिकेशन करनी वो भी कर लो, उसकी गाड़ी काफ़ी कमाल की लगती है। और अगर आप गाड़ी जी वैगन बनवाना चाहते हो वो भी आप बनवा सकते हो। और महिंद्रा बुलेरो की जो राइड क्वालिटी है वो इतनी कमाल की, ऐसी नेक्स्ट लेवल की राइड क्वालिटी आपको मिलती है। अगर आपने महिंद्रा बुलेरो चला ली तो आप स्कॉर्पियो क्लासिक को भूल जाओगे, मतलब स्कॉर्पियो भी आपको नॉर्मल सी बच्ची रहेगी महिंद्रा बुलेरो के। जो महिंद्रा बुलेरो के अंदर आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर भी नहीं मिलता। इतनी कमाल की राइड क्वालिटी है महिंद्रा बुलेरो की। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइस, एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट लगाना ना भूलना, और अगर आप कार चलाते हो तो आप सीट बेल्ट लगाना ना भूलना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। जस्ट नीड योर सपोर्ट, जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलना। तो प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी मेरे को वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।